दीवान टोडरमल जी दी जहाज हवेली फतेहगढ़ साहब के नवीनीकरण के चल रहे काम दौरान खदाई विचों वाटर चैनल मिलिया है। इस संबंधी होर जानकारी दिंदे हुए इंजीनियर रवि कुमार अते कंजरवेशन आर्कीटेक्ट कुमार कार्तिकी का कहना है कि जहाजी हवेली की मरम्मत करन समय एक महीने पहले पड़ाव विच GPR टेस्ट किया गया सी, जिस राही पता लगा कि जहाज हवेली विच काफ़ी थावां ते चैनल दबे हुए हैं, जिसनू बड़े ही तरीके नाल खुदाई करके बाहर कढ़िया जा रहा है। अज वाटर चैनल धरती विचों दबिया होया मिलिया है। जो सबसे पहले फेज़ वन में हम लोगों ने ERT और GPR टेस्ट किया था इस साइट पे कि लैंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी मौजूद हैं, दबी हुई हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट थी, जिसके अंतर्गत हमने अभी पाउंड एरिया पे एक्सकवेशन स्टार्ट किया, जहाँ पे अभी जो पहली स्टेज में हमको मिला वो एक वाटर चैनल मिला। और ये अभी तक की हम लोगों की जो एक्सकवेशन के दौरान प्राप्त सबसे अनोखी चीज़ है जो पहले स्टेज में हमें मिली। हो सकता है इससे कनेक्टेड और भी पाउंड हो सकते हैं आगे की तरफ। इसमें क्या है कि चेक कदों कीता सी पहले वाटर चैनल से चेक कदों कीता सी? ये टेस्ट कब किया था पहले? ये टेस्ट एक महीने पहले किया गया था। यहाँ से पानी कहाँ से आता था पता लगा कुछ? हाँ जी सर, अब ये नाली मिली है, अब नाली के बेस पे हमें ये पता चलेगा कि इस तरफ से आता था या उस तरफ से। उधर दो खेत छोड़ के हमको एक पुराना वेल भी मिला है, जो कि एक पुराना वेल है। तो अब ये कनेक्टिंग चैनल्स क्या वहाँ तक जाते थे, विच मीन्स कि ये प्रॉपर्टी एक बहुत लार्ज प्रॉपर्टी थी जो कि एक छोटी हो गई इस समय, मगर अब हम धीमे धीमे देखेंगे कि ये कितनी लार्ज कैंपस था इसका, ठीक है। और उसके बाद हमारा तरीका ये रहेगा कि हम धीमे धीमे इन एलिमेंट्स को रेस्टोर करेंगे, इस पूरी साइट का डेवलपमेंट करेंगे और इसको ब्यूटिफिकेशन करके टूरिस्ट और श्रद्धालुओं के लिए धीमे धीमे बढ़ाएंगे और खोलेंगे। कितना का टाइम लग टाइम? तो सर इसमें 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये कंजर्वेशन एक स्लो प्रोसेस है और स्लो तरीके से इसमें धीमे धीमे अप्रोच से चलता है, मगर हम कोशिश अपनी बेस्ट कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हम इसमें से गेन कर सकें। तो एज सून एज वी गेट मोर एविडेंसेस वी विल प्रोसीड विद द वर्क्स। कितने साल पुराना लग रहा है आपको? सर ये देखिए 1700 की तो बात है, जब दीवान टोडरमल जी ने आपके छोटे साहिबजादों के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया था, तो 1700 की तो रिटेन डेट है। कम से कम उससे 50-60 साल पहले ये हवेली ज़रूर बनी होगी, क्योंकि तब वो अगर रहते थे तो उससे 50-60 साल पहले की ये हवेली होगी। तो हम ये मान सकते हैं या तो लेट 1600 समथिंग में होगी या फिर मिड 1600 समथिंग में होगी। सर एक्चुअल में ये धन्यवाद देता हूँ SGPC को और दीवान टोडरमल विरासती फाउंडेशन को कि हमारी कंपनी को और हमारी टीम मेंबर को ये काम सौंपा। ये पूरी तरीके से SGPC और दीवान टोडरमल विरासती फाउंडेशन की तरफ से कार्य हम लोगों के माध्यम से कराया जा रहा है। कितनी की लागत आओगी यदि पूरा ये काम? सर एक्चुअली में लागत अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारी चीज़ें निकलेंगी उसी हिसाब से क्या रेस्टोरेशन का प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा, उसके हिसाब से लागत को डिसाइड किया जाएगा। और भी कोई निकलने की आस है? कोई दिखा सर? कई सारे हमारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो हमारे GPR में दिखाई दे रहे हैं कि नीचे सब ग्राउंड में दबे हुए हैं, हम धीमे धीमे करके फेज बाय फेज उनको निकालेंगे, क्योंकि ये बरसात का मौसम है इसलिए हम बहुत ज़्यादा एक्सकवेशन एक साथ नहीं कर सकते, मगर हम थोड़े थोड़े टुकड़ों में उसको करके और प्रोसीड कर रहे हैं। और एज सून एज द बरसात मतलब बारिश का मौसम चला जाता है उसके बाद हम काम को और तेजी से प्रोसीड करेंगे। GPS से कोई पुरानी चीजें भी दिखेंगी? पुरानी चीजें नहीं, उसमें चीजें नहीं दिखती हैं, उसमें केवल ऑब्जेक्ट्स पता चलते हैं कि यहाँ कुछ हो सकता है। अब वो क्या चीज हो सकती है वो हमें एक्सकवेट करने के बाद ही मिलता है, उसमें ये सामान का नहीं पता चलता है कि क्या सामान है, उसमें बस ये पता चलता है कि समथिंग इज बरीड अंडर दिस सॉइल। केवल शेप एरिया पता चलता है और डेप्थ पता चलती है, ठीक है। दूसरा आपका क्या नाम है? मेरा नाम आर्किटेक्ट कुमार कार्तिकेय है, मैं कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हूँ और मैं SPA दिल्ली से पास आउट हूँ। मैनेजमेंट के तौर पे वन बीट ग्रुप पूरी तरीके से हम लोगों के साथ काम कर रही है और मैं धन्यवाद देता हूँ सरदार बहादुर सिंह जी का, जिन्होंने हम लोगों को हायर किया और इस संस्था में उस काम को करने के लिए सपोर्ट किया। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरों के लिए सब्सक्राइब करो अजीत वैब TV और ताज़ी खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करो।